दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भारत एग्री के हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मक्के की फसल के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि मक्के की फसल में आने वाली जो सैनिक सुंडी है इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ऊपर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं लेकिन कुछ नए जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आपसे एक राय है कि वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो के आखिर में ये वीडियो कैसा लगा ये सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको भारत एग्री की तरफ से एक जरूरी सूचना यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। अब आप घर बैठे भारत एग्री ऐप की मदद से अपनी फसल के लिए लगने वाले सभी आवश्यक कृषि उत्पाद बहुत ही आसान तरीके से खरीदी कर सकते हो। खरीदी करने पर आपको मिलेगा ढेर सारा डिस्काउंट, मात्र 3 से लेकर 4 दिन में डिलीवरी और भारत एग्री में खरीदी किया गया हर कृषि उत्पाद 100% ओरिजिनल होने की गारंटी भी मिलेगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाला है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आज ही अपने फसल के लिए लगने वाले सारे कृषि उत्पाद खरीद कीजिए। सूचना खत्म हुई, अब आते हैं अपने मुख्य विषय के ऊपर, मक्के में आने वाली सैनिक सुंडी। दोस्तों इसके बारे में मक्का उत्पादक किसानों को अलग से कुछ बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे खासतौर पर लगता है कि पूरे भारत में या फिर पूरी दुनिया में ऐसा कोई मक्का नहीं है जहां पर सैनिक सुंडी का प्रकोप नहीं हुआ है। जी हाँ, लगभग सभी प्रकार के मक्के में, सभी प्रकार की अवस्था में हमें ये सैनिक सुंडी दिखाई देती है। अगर अपनी फसल में एक बार वो आ जाती है तो मक्के की फसल का लगभग 50 से लेकर 80% का नुकसान ये कर सकती है। इसका प्रकोप होने के बाद किसान कई सारे घातक से लेकर घातक कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नहीं करते हैं। हमें एकीकृत तरीके से प्रबंधन करना है, हमें वेट नहीं करना है कि मक्के की फसल के ऊपर सैनिक सुंडी आएंगी हम फिर कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, खेत की तैयारी से लेकर कटाई तक हमें अलग अलग तरीके से इस कीट को नियंत्रित करने की कोशिश करनी है और वही सारी टेक्निक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली स्टेप होती है कि सही समय पे और सही तरीके से बुआई करें, सही बीज का चुनाव करें। हमें कभी भी मक्के की बुआई करने से पहले वैज्ञानिक की राय लेनी है कि इस मौसम में कौन से बीज लगाए और किस तरीके से लगाए। लगाते वक्त जो पौध अंतरण है उसका हमें खासा ध्यान रखना है, ताकि अगर आप प्लांट टू प्लांट और रो टू रो स्पेसिंग सही तरीके से मेंटेन करते हो तो भी हमें बहुत हद तक मदद होती है मक्के की फसल में सैनिक सुंडी का प्रकोप कम करने के लिए। दूसरा उपाय करना है कि जो उर्वरक प्रबंधन है मक्के की फसल का, वो हमें मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना है। पहले जान ले कि मिट्टी में कौन से उर्वरक पहले से उपलब्ध है और फिर दूसरे उर्वरक डालने की कोशिश करेंगे। ये आपको कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको मिट्टी परीक्षण के आधार पर। तो मिट्टी का टेस्ट कीजिए और उसके बाद में तय कीजिए। अब ये मिट्टी परीक्षण आप भारत एग्री ऐप से भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और हमारे कृषि डॉक्टर के साथ वीडियो कॉल करके इस मिट्टी परीक्षण की सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। दूसरी चीज, जब भी आप मक्के की बुआई करो तो उससे पहले हमें प्लॉट का खासा ध्यान रखना है। जो पुरानी फसल है, अगर मान लीजिए उस खेत में आप हमने पुरानी फसल भी मक्का अगर ली थी, अगर उसमें अगर प्रकोप बहुत ज़्यादा हुआ था सैनिक सुंडी का, तो वो पुरानी फसल हमें पूरी तरह से नष्ट कर देनी है अपने खेत से। उसके जो भी अवशेष हैं वो सारे बाहर निकाले और उसे जला दें, क्योंकि इन अवशेषों में उस सैनिक सुंडी की अलग अलग अवस्था मौजूद हो सकती है, जैसे कि लार्वा अवस्था, जैसे कि प्यूपा अवस्था या फिर एग अवस्था जिसे हम अंडा बोलते हैं। जहां पर खरीफ के मौसम में मक्के की खेती की जाती है उस खेत में या फिर उस क्षेत्र में हमें ग्रीष्मकालीन मक्के की फसल नहीं लेनी है। खेत में मक्के की बुआई करने के तुरंत बाद हमें पंछियों को बैठने के लिए खुंटियां लगा देनी है। आपको फोटो में दिख रही है कि किस प्रकार की खुंटियां हमें एक एकड़ में लगानी है। ये आप लगभग 8 से लेकर 10 खुंटियां लगा सकते हो। जब आपकी मक्के की फसल वानस्पतिक विकास में आ जाएगी तब आपको खेत में फेरोमोन ट्रैप भी बिठा देने हैं। इनकी मात्रा आपको 4 से लेकर 5 लेनी है। अब आते हैं आपके पसंदीदा टॉपिक के ऊपर, कीटनाशक के ऊपर। बहुत सारे किसान मक्के की सैनिक सुंडी के लिए अलग अलग कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं आते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको अलग अलग 6 कीटनाशक के नाम बताए हैं, मैं उनके कंटेंट बताऊंगा, उनकी कंपनी और उपयोग की मात्रा भी बताऊंगा। इन्हें अगर आप अदल बदल कर अवस्था अनुसार इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। कीटनाशक में आप अलिका कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें हमें थायमेथाग्जाम और लामड़ा सैलुत्रिन ऐसी 2 सामग्री मिलती है। इसकी उपयोग की मात्रा है 80 ml 1 एकड़ फसल के लिए।
दूसरे नंबर पे आप धानुका कंपनी का EM1 भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें हमें एमामेक्टेन बेंजोइट मिलता है। इसकी उपयोग की मात्रा है 100 ग्राम एक एकड़ के लिए। सोलोमन कीटनाशी भी बहुत ही अच्छा विकल्प साबित होता है। इसमें भी हमें दो सामग्री मिलती है, बीटा साइफ्लुथ्रिन और इमिडाक्लोप्राइड। इसकी मात्रा आप 150 ml एक एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। एम्प्लीगो भी एक बहुत ही अच्छा विकल्प साबित होता है। इसमें हमें दो सामग्री मिलती है, क्लोर एंटेनिलीप्रोल और लैम्ब्रा साइलोथ्रिन। इसको आप 100 ml एक एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। कोराजन तो आपको पता ही है, क्लोर एंटेनिलीप्रोल इसमें हमें मिलता है। इसके उपयोग की मात्रा है 60 ml एक एकड़ के लिए। डेलीगेट भी बहुत ही अच्छा है, जिसमें हमें स्पिनोटेरम मिलता है। इसकी उपयोग की मात्रा है 180 ml एक एकड़ के लिए। दोस्तों, अभी मैंने आपको 6 कीटनाशक के नाम बताया है। इसके साथ हमें एक एकड़ के लिए लगभग 150 से लेकर 200 लीटर पानी लेना है। ध्यान रखें, हर बार हमें अदल बदल कर कीटनाशक का इस्तेमाल करना है। एक ही एक कीटनाशक बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। हर छिड़काव के साथ हमें चिपकू का इस्तेमाल अवश्य करना है, और ये छिड़काव हमें सुबह 11 से पहले या फिर शाम को हमें 4-5 के बाद लेने हैं। ध्यान रखें, कड़ी धूप में छिड़काव ना दे। हमेशा छिड़काव करते वक्त जमीन में हल्की सी नमी होना आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, ये थी जानकारी मक्के की फसल में सैनिक सुंडी कीट प्रबंधन के बारे में। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करता हूं कि सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं। अभी भी आपके मन में कोई और सवाल हो तो हमारे भारत एग्री ऐप में जाकर हमारे भारत एग्री कृषि डॉक्टर के साथ वीडियो कॉल करें। वीडियो जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अभी तक आपने भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाले बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।